अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है राहिद फैसल और मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर बिलाल। तो आज हम किस चीज़ पे रिएक्शन करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और देखेंगे कि कैसा है इनका टर्मिनल। अंदर से देखेंगे, बाहर से देखेंगे, जो भी वीडियो का होगा वो उस पे हम। रिएक्शन करेंगे। हाँ जी, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेस्टिक डिपार्चर ना। डोमेस्टिक डिपार्चर। इंटीरियर बहुत खूबसूरत बनाया गया है, ठीक है, लाइट्स वगैरह भी लगी सीलिंग है। हाँ सीलिंग जो है ना वो ये होटल एयरपोर्ट। काउंटर भी बहुत ज्यादा है ना, सामने। चेक इन काउंटर हाँ है काउंटर भी बहुत ज्यादा है, क्या क्रिसमस ट्री है? हो सकता है, हो सकता है वीडियो उस दिन की बनाई गई हो। जब क्रेशर रश इतना ज्यादा नहीं है, मतलब हल्के लोग ज्यादा लोग, हो सकता है वो कोविड की वजह भी हो सकती है या लॉकडाउन भी हो सकता है, लेकिन लोग ज्यादा नहीं है। क्योंकि हमारे एयरपोर्ट में तो आपको पता है बहुत नहीं, हम ये सोच रहे थे कि मुंबई सिटी जिस तरह की तो रश बहुत ज्यादा होगा एयरपोर्ट का भी, वो रश बहुत ज्यादा होगा। देखिए बिल्कुल खाली खाली है, कौन सी गाड़ी की तस्वीर है, कंपनी का नहीं। ये ड्यूटी फ्री का मेरा ख्याल से कोई गाड़ी होगी, ये आर्टिफिशियल होंगे या सही होंगे, आर्टिफिशियल होंगे, डिजाइन के लिए बनाएंगे ना इंटीरियर। एयरपोर्ट तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल क्लीन साफ है, लेकिन लोग इतने ज्यादा इस टाइम नहीं है। हमारा पिशावर एयरपोर्ट भी ऐसे ही बना है, लेकिन ये काफी बड़ा है और हमारा छोटा है। हाँ छोटा है, टेक्सचर है ना एयरपोर्ट का। हाँ सेम ही है, नहीं एयरपोर्ट अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। अगर इसकी आप सीलिंग देख ले या गाड़ी भी सामने खड़ी है, एडवर्टाइजमेंट के लिए खड़ी होगी, मेबी कोई नई ब्रांड हो, हाँ नए ब्रांड से हो सकता है लॉन्च हुआ हो या क्या, परफ्यूम की शॉप है। नहीं यार मेरे ख्याल में हर चीज़ अवेलेबल है। पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून एयरपोर्ट है, मतलब वो भीड़ वो रश वश नहीं है, बिल्कुल सुकून की जगह है। अगर कोई बैठना चाहता है आराम से तो बैठ भी सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एयरपोर्ट है क्या है। यहाँ पर चीज़ें भी बहुत महंगी होगी, खाने की हो या कोई लेना हो तो चीज़ें भी बहुत महंगी होगी ना, फूड कोर्ट भी है ना, भीड़ लोग रहते हैं ना, उस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का काफी अच्छा। हमने सिटी पे भी रिएक्शन किया था, तो हमने सिटी देखी थी कितनी खूबसूरत सिटी। हाँ जी, अगर आप लोगों ने हमारा वो वाली वीडियो नहीं रिएक्शन नहीं देखी तो वो जाके वो भी देख। शॉज भी अंदर अच्छे मन करता है कि जाए यहाँ पे, मतलब इंटरनेशनल टाइप का बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, स्टैंडर्ड अच्छा है, सीलिंग पे बहुत मेहनत की है। ये मेरा कहना पुराने टाइप की डिजाइन डिजाइन कोई बनाई गई। हाँ ये कोई मतलब कल्चरल। हाँ बैठने की बहुत जगह है लेकिन क्राउड बहुत कम है। मेरे ख्याल से ये वीडियो जो ली गई हाँ, है ये लॉकडाउन में, लॉकडाउन और ये मतलब फ्लाइट अभी टेक ऑफ कर रहा है। हाँ ये ऊपर से मुंबई के नजारे, तो ऊपर से तो सारी सिटी। तो दोस्तों वीडियो हमने देख ली है, मुंबई एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, अंदर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन क्राउड ही बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है ये कोविड की भी वजह हो सकती है, लॉकडाउन की भी वजह हो सकती है, लेकिन रश इतना ज़्यादा नहीं था। वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन था और सब कुछ जो अंदर था वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत वीडियो भी शॉर्ट भूलिएगा। थी तो इसलिए हमने रिएक्शन भी शॉर्ट किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और करें, भी रिएक्शन आएंगे इसके हवाले इंशाल्लाह से। आगे भी रिएक्शन आएंगे, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। ओके शुक्रिया। ओके शुक्रिया।